हेलो फ्रेंड्स, करते हैं लंच की थाली को प्लेट। यहाँ मैंने बनाया जीरा राइस, जिसे मैंने एक कटोरी में कर लिया है सेट। राइस है तो साथ में मैंने बनाई है पकौड़े वाली राजस्थानी कढ़ी, जिसमें प्याज और लहसुन नहीं डलता है। कढ़ी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया है सूखा आलू मटर, जिसे मैंने तेल में सिर्फ जीरा, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डाल के फ्राई कर लिया है। यहाँ मैंने साथ में रख दी है दो छोटी छोटी रोटी। साथ में मैं सर्व कर रही हूँ पापड़ की चूरी। आज नमकीन खाने का मन नहीं था तो पापड़ की चूरी मैंने बना ली थोड़ी सी। इसकी रेसिपी आप चाहें तो मैं शेयर कर सकती हूँ। साथ में मैंने डाल दिया है गोंदे का अचार, जो मम्मी ने बनाया है और राजस्थान से आया है। इसे कई लोग लहसुए का अचार भी कहते हैं। कढ़ी में लगा देंगे कस्टमाइज लाल मिर्च का तड़का, जिसे जैसा तीखा पसंद है उसकी कढ़ी में उस हिसाब का तड़का लगा दिया जाता है। यहाँ मैंने एक फ्रेश ग्रीन चिली रख रही है। चावल हो गए हमारे सेट। इसके बाद में मैंने यहाँ दो टमाटर के स्लाइस रखे, क्योंकि प्याज नहीं खाना है। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपनी लंच थाली। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच डिलीशियस, टेम्पटिंग एंड इंटरेस्टिंग लंच आइडियाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।